मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करे हुए। चलिए बच्चे, फटाफट अपना लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, हम लोग लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बहुत ही गजब तरीके से बच्चे क्या पढ़े हुए हैं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है कि कॉपर कैसे निष्कर्षित किया जाता है, कॉपर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में पढ़े हुए। साथ ही साथ बेटा ब्लिस्टर कॉपर के बारे में पढ़े हुए, मतलब फफोलेदार तांबे के बारे में पढ़ा हुआ कि भैया कैसे फफोलेदार तांबे बनता है, इसके बारे में बात किए हुए। साथ ही साथ बच्चे हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विद्युत अपघटनी विधि के बारे में भी बात किया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ कॉपर के बारे में बात करो कि कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से कैसे कॉपर जो है प्योर किया जाता है, कैसे शुद्ध कॉपर लिया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में अपन यहां पे बात किए हैं। आज इस लेक्चर के अंदर बच्चे हम लोग अपना लास्ट जो टॉपिक रहेगा धातुओं के शोधन के ऊपर मैं बात करूंगा, मतलब रिफाइनिंग ऑफ भैया मेटल के ऊपर बात करेंगे। यहां इस प्रोसेस के अंदर बच्चे हमको जो बहुत सारी प्रोसेसेस मिलती है, मतलब भैया आसवन प्रोसेस भी मिलेगा, ठीक, आसवन विधि मिलेगी, मोल प्रभाज विधि भी मिलेगी, प्रभाज पृथक्करण विधि भी मिलेगी। साथ ही साथ बच्चे वेपर फेज मिलेगा, ठीक है, वेपर फेज मेथड मिलेगा, जोन रिफाइनिंग मिलेगी, क्रोमेटोग्राफी मिलेगी, तो बहुत सारे जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस मिलेगी। तो आपके बच्चे यहां पे प्रोसेसेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, विधियां तो बहुत सारी है, लेकिन उस विधियों में बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है जोन रिफाइनिंग और जो है क्रोमेटोग्राफी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जोन रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफी जो है आपके बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से जो क्वेश्चन जो बार बार पूछे गया है, इसलिए मैं ये टॉपिक उठा रहा हूं। बेटा सारे बच्चों को क्लियर समझ आया, ठीक है, हम बाकी चीजें यहाँ पे क्यों नहीं पढ़े, सारे बच्चों को ये चीजें पहले समझ में आनी चाहिए, समझ में आए सारे बच्चों को। चले बच्चे, इसको हम फोड़ाफाड़ी मचाते हैं, बहुत गलत तरीके से पढ़ेंगे, बस समझते जाना चीजों को, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो भैया, सबसे पहले अपन जो जोन रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या जोन रिफाइनिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर जोन रिफाइनिंग, ठीक है, आखिर जोन रिफाइनिंग कैसे होता है, जोन रिफाइनिंग आखिर कैसे होता है, मतलब यहां पे, ठीक है, जोन रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करूंगा। एकदम सिंपल सा फंडा बेटा, एकदम सिंपल सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो जोन रिफाइनिंग मेथड होता है, मैं की पॉइंट्स बताते जाऊंगा साथ साथ, आप लोग सिर्फ लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है। ये जोन रिफाइनिंग जो होता है वो क्या होता है, अर्धचालकों के ऊपर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, क्या होता है बेटा, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। तो ये क्या होता है, अर्धचालकों पर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन के ऊपर होता है, मेनली इसी दोनों चीजों के ऊपर बेटा क्या होता है, ये इसी दो मेथड, सॉरी, इसी दो मेटल के ऊपर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। मतलब हम जो हमारे पास अगर जर्मेनियम का रॉड होगा तो हम इस जोन रिफाइनिंग का उपयोग करेंगे, अगर मेरे पास सिलिकॉन का रॉड होगा तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसी मेथड का उपयोग करूंगा, जोन रिफाइनिंग मेथड का उपयोग करने वाला हूं। क्लियर है सारे बच्चे को, समझ में आया, ठीक है। अब देखो आखिर ये प्रोसेस क्या बोलता है, ये तो समझ आया, ठीक है सर, ये तो समझ आया सर, लेकिन आखिर ये प्रोसेस बोलता क्या है अपन को, ठीक है, सिखाता क्या है, इसके बारे में बात करता हूं। देखो क्या होता है बेटा, जब भी आप कभी भी औद्योगिक क्षेत्र पे जाओगे या फिर बच्चे आप लोग कभी इंडस्ट्री में देखोगे तो क्या होगा वहां पे, कि वहां पे बच्चे आपको एक रिंग रहता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है बच्चा, जोन रिफाइनिंग के फंडे पर एक रिंग रहता है, ये जो दिख रहा है बेटा आपको, जो है रेड येलो कलर का दिख रहा होगा, ये आग उबलते हुए, ठीक है, ये आग उबलते हुए जो रिंग दिख रहा होगा, तो ये रिंग क्या है बेटा, आग वाला, ठीक है, क्या हमारा जो है हॉट रिंग है, ठीक है, आग वाला जो रिंग है, इसके आसपास पूरा आग रहता है बेटा, आग, ठीक है, आग, मैं क्या बोला, फायर, आग की बात की, ठीक है, तो यहां पे बेटा फायर रहेगा, आग रहेगा, तो हॉट रिंग है अपने पास, ठीक है, एक रिंग है, ठीक है, ये भी यार रिंग सेरेमनी वाला रिंग नहीं है, ठीक है, ये रिंग है, गोला है, इसलिए इसको रिंग बोले, ठीक है, तो ये रिंग रहेगा, ठीक है, ये हॉट रिंग है, इसी हॉट रिंग से, ठीक है, गर्म रिंग रहेगा, आग वाला रिंग रहेगा, फायर रिंग रहेगा, उस रिंग से अपन क्या करेंगे, जर्मेनियम फिर सिलिकॉन के धातु को पास कराएंगे, मतलब गुजारेंगे, जब गुजारेंगे तो बेटा क्या होगा, क्या होगा, देखो ध्यान से, जब इसको हम लोग पास करेंगे, एग्जामिन करो कि बेटा यहां से जो है हो रही है, पास हो रही है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में पास हो रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे ये क्या कर रहा है, मेटल पास कर रहा है, ठीक है। अब मेटल इस तरीके से पास कर रहा है बच्चे, तो क्या होगा, ये मेटल जब आएगा आग के दरिए में, जब कूदते जाएंगे, ठीक है, ये आग के दरिए में कूद के जाने वाला होता है ना बेटा, तो इसका क्या होगा, यहां से जब आग से जो है पास होगा, तो यहां से जो इंप्योरिटी रहेगी इस जर्मेनियम पे, मैंने क्या बोला, इस जर्मेनियम पे जो इंप्यूरिटी रहेगी, ठीक है, वो इंप्यूरिटी क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, मैंने बोला बेटा इंप्यूरिटी जो रहेगी, अशुद्धि जो रहेगी, वो क्या होगी, पिघल जाएगी, ठीक है, क्या होगी, पिघल जाएगी। अब पिघल दिया, अब इससे सारे बच्चे जो है आप लोग अनुमान लगा पा रहे होंगे मैंने किसकी ओर जो है संदेश कर दिया है, ठीक है, किसकी ओर जो है अंदेशा कर दिया। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, हमारी इंप्यूरिटी, हमारी अशुद्धि, वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, ठीक है, मैंने बोला अशुद्धि, अशुद्धि, ठीक है, वापस से मैं बोलता हूं, हमारी अशुद्धि जो है पिघल जाएगी, तो अशुद्धि जब हमारा मेल्ट हो जाएगा बेटा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल ही भैया 100% ये बोल पा रहे होगे बच्चे कि मेरी अशुद्धि का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेरी अशुद्धि का जो मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलने की जो शक्ति है वो क्या होगी, कम होगी, मतलब मेरी अशुद्धि क्या होगी, लो होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली होगी, समझ में आया सारे बच्चों को। तो हम किसका यूज करेंगे, ऐसे इंप्यूरिटीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, उसके लिए हम लोग जो है इस प्रोसेस का यूज करेंगे, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस का जो है यूज करने वाले हैं। क्लियर है सारे बच्चों को, ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, हम इसको किस
किसके लिए, कैसे कैसे एस के लिए यूज कर रहे हैं, ये आपको जो है 100% क्लियर होना चाहिए। समझ में आया सारे बच्चों को? तो आपको एग्जाम के अंदर इसको लिखने भी आना चाहिए, ठीक है। हम सिंपल से बात करना कि जोन रिफाइनिंग जो मेथड होता है वो जो है अशुद्ध जो होती है, हमारी जो इंप्यूरिटी होती है वो लो इंप्यूरिटी के ऊपर जो क्या होता है एप्लीकेबल होता है, आपको ये लिखने आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया सारे बच्चों को? अब देखो ये हमारा क्या था, एक हॉट रिंग था, हमारा जो गर्म रिंग था, इस गर्म रिंग से अपन जो इस वाले डायरेक्शन में क्या बच्चे हमारा जो मेटल जो आने लग गया, जिससे क्या हुआ हमारी जो अशुद्धि थी जो इंप्यूरिटी थी वो पिघल गई। क्योंकि क्यों पिघल गई? क्योंकि वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो कम था, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो जब पिघली तो पिघलेगी तो कौन से डायरेक्शन में जाएगी भैया, पिघलेगी तो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी एकदम 100% से। और जब पिघलती है तो क्या होता है, जैसे यहां पे पिघल रही कोई भी धातु तो यहां पिघल की ऐसे जाएगी ना, ऊपर थोड़ी जाएगी, पिघल के नीचे जाएगी, ठीक है। जब पिघलेगा बेटा तो मान लो, सपोज करो कि यहां पे पिघल, अभी तो फिर पिघलना स्टार्ट किया, मान लो भाई कि मान लो अभी तो पिघलना स्टार्ट किया ना, मान लो कि यहां पे पिघल रही है इस तरीके से, जो रेड कलर में लिखे हो बच्चा ये आपको पिघल रही है यहां पे, ठीक है, यहां से आपको जो है पिघल रही है। अब पिघलने के बाद बेटा ये पिघलते पिघलते जो है यहां कैसे आ गई, नीचे नीचे की ओर आ गई, मतलब पीछे की ओर आ गई इस तरीके से, ठीक है। ये हम लोग जो हमारा जो धातु है बेटा, अपन इसको जो इस वाले डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, लेकिन पिघलते पिघलते जो है उसका जो अशुद्धियां थी इस वाले डायरेक्शन में आ गई। अब मैं क्या करूं बच्चे, मेरा तो पूरा जो मेटल है वो क्या हो गया, हम लोग इस तरीके से प्योरीफाई कर दिया। अब प्योरीफाई करने के बाद बेटा इसको जो हमको अलग करना है, क्योंकि यहां पे इस साइड का जो होगा मेटल होगा वो मेरा शुद्ध होगा। अब इस साइड का जो मेटल बचा बेटा, ठीक है, जो रेड कलर से मैंने पेंट किया है, ठीक है, रेड कलर से जो लिखा है, यह मेटल क्या होगा, अशुद्ध होगा। तो इस अशुद्धि को मेरे को हटाना पड़ेगा, इस असिद्धि को मेरे को हटाना पड़ेगा। जब हटाऊंगा तो क्या होगा बच्चे, हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहां पे कुछ ना कुछ तो लगाऊंगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बनूंगा। तो उस जुगाड़ का नाम रहेगा बेटा, आप लोग याद रखना, इस जुगाड़ को अपन लोग इस तरीके से काट देंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको अपन लोग काट देंगे जिस तरीके से, बच्चे देखो ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहना। अब देखो मैंने क्या कर दिया, ये जो मेटल इसको हाफ जो है काट दिया, काट दिया। अब देखो जर्मेनियम है भाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, तो इसको मैं इजिली काट सकता हूं, एकदम नॉर्मल सी बात है, इजिली काट दूंगा। इजिली काटने का मैं कैची में जाकर नहीं काट रहे भाई, ठीक है, वहां कुछ मेथड रहता है काटने का, नहीं तो उसमें काट रहे अपन, ठीक है, यहां पे कैची की बात नहीं हो रही। कई बच्चे यहां पे दिमाग लगा रहे होंगे, सर मैं इसको कैची में काट दूं क्या, नहीं बच्चे आपको नहीं काटना है, समझ में आया सारे बच्चों को, ठीक है। अब देखो भैया यहां पर अपन क्या डाल दिए, ठीक है, इस तरीके से अपन क्या किया, इसको अलग कर दिए। अब देखो जब मैं इसको अलग किया, ठीक है, अशुद्धि को मैंने अलग किया, तो इस साइड पूरा मेरे क्या मिला, इंप्योर मेरे को मिला, इंप्यूरिटी मेरे को इस साइड मिल गई, जो गंदगी थी बेटा मेरे को इस साइड मिल गई, मतलब इसको अलग कर दिया। अब इस साइड जो भी मेरे को मेटल मिलेगा ये क्या होगा, मेरे को प्योर फॉर्मेट में मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, प्योर फॉर्मेट में मेरे को मिलेगा। समझ में आया सारे बच्चों को, ये जो प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। अब इसको लिखते कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। हाँ एक बात बता दूं बेटा, ये आपको जो इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके से आपने कभी भी डायग्राम देखा होगा, कभी चित्र देखा होगा कि कैसे वो चीजें होती है। देखो यहाँ पे क्या रहा बेटा, ये जो रिंग दिख रहा है ये हमारा क्या है, हॉट रिंग, ये हमारा रिंग है, इसी के अंदर से हमारा जो है जर्मेनियम फिर सिलिकॉन के मेटल्स जो है क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाते हैं, क्या प्यूरीफाई किए जाते हैं, मतलब इसी के अंदर डाला जाता है, गुजारा जाता है। क्लियर सारे बच्चों को? ये जो ये तो आप लोग देखा होगा कभी कभी जो है अपने मूवीज में, या फिर जो है कभी कभी जो है क्या बोल सकते हैं ऐसे मैगजीन्स आते हैं वहां पे आप लोगों ने देखा होगा। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखो ये प्रोसेस आखिर करता काम कैसे, ठीक है, ठीक है, ये तो आप लोग एकदम गजब तरीके से लिख लोगे कि आखिर ये प्रोसेस कैसे काम करता है। अब मैं दूसरे प्रोसेस के ऊपर बात करता हूं कि भाई हमारा जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो कैसे काम करता है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी वो कैसे काम करता है। सबसे पहले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हाँ हो गया बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लिया। आप लोग इसको क्या करके विशिष्ट उपयोग हेतु क्या करके शुद्धतम धातु प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। एकदम सिंपल सी बात है भाई, एकदम प्योर करने के लिए हम इस मेथड का उपयोग करेंगे। इस मेथड के अंदर बच्चे हम लोग उदाहरण के लिए अर्धचालक लेंगे। अर्धचालक क्या होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, मैंने बताया सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो इस विधि का प्राप्त किया जाता है, इस यह विधि में क्या होता है, तथ्य पर आधारित होती है कि अशुद्ध धातु का जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था की तुलना में द्रव्य में क्या होता है, अधिक विलय हो जाती है। सिंपल सी बात है भाई, मतलब हमारा जो इंप्योरिटी होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इतना पढ़ने से, ठीक है। देखो अशुद्धियां होने से क्या होता है, उसका गलनांक जो शुद्ध धातु की तुलना में कम होती है, यही मैंने आपको बोला हुआ है, ठीक है। अशुद्धियां होने से उसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो शुद्ध धातु की तुलना में कम होता है, क्लियर है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा बच्चा, तभी तो वो पिघलेगा ना, तभी तो वो अलग हो पाएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा हो गया तो वो पिघलेगा क्यों, समझ रहे ना, वो पिघलेगा क्यों, क्लियर है सारे बच्चों को। इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है अशुद्धियों की, ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया कि इसका प्रोसीजर कैसे होता है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चा। अब देखो इस विधि में अशुद्ध धातु के छड़ में क्या होता है बेटा, छड़ को क्या होता है, एक गोलेकार चलित हीटर, यहाँ पे हीटर नाम दे दिया, वहां पे मैंने रिंग नाम दिया, सिंपल सी बात है, हीटर में फिट कर दिया जाता है, तथा हीटर के छड़ में धीरे धीरे क्या होता है, विस्थापित किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है, क्या होता है, हीटर के आसपास जो धातु होती है पिघली जाती है, क्या होती है, पिघली जाती है, मतलब पिघल जाती है,
समझ गया, समझ में आया। जैसे जैसे हीटर में आगे आगे बढ़ जाता है बेटा, क्या होता है, धातु शुद्ध धातु जो होता है, शुद्ध धातु क्रिस्टलीकृत हो जाता है तथा अशुद्ध धातु जो है पिघले क्षेत्र में चली जाती है। इस या प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है बेटा, हम लोग अपना धातु होती है उसको शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ज्यादा इजी तरीके से समझना है, ठीक है। इजी तरीके से जितना चीजों को आप समझोगे, ग्रेस्प करोगे, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बेटा, ठीक है। अभी आप चीजों एकदम डिटेल पे मत जाओ, आपको जो है जितना अच्छे तरीके से बच्चे आपको समझा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उसी को समझो, और जो है अपने कॉपी के अंदर नोट बनाओ, ठीक है। ये प्रॉपर जो आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूं या फिर जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, ठीक है, वो आपको जो है नोट करके लिखना है, और एग्जाम्स के अंदर बच्चे एग्जाम से पहले सारी चीजों को समझ लेना है, पढ़ लेना है, समझ है, बस इतना ही काम करना है भाई, अब कुछ नहीं करना अपन को, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं बेटा ये पूरा का पूरा जोन रिफाइनिंग यहाँ पे खत्म होता है, अब क्रोमेटोग्राफी के ऊपर आते हैं कि आखिर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चों को क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्रोमेटोग्राफी आखिर क्या होती है, इसको हम कैसे पढ़े, ठीक है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, उसी कंफ्यूजन को आज अब पूरा इस लेक्चर के अंदर जो है क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, पूरा का पूरा दूर होने वाला है। समझ में आया, समझ में आया बच्चा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, इस प्रोसेस में आखिर क्या होता क्या है, ठीक है, ये इस प्रोसेस के अंदर आखिर होता क्या है, इतना कंफ्यूजन क्यों होता है इस प्रोसेस में। देखो बच्चे, सिंपल काम होना, शांति से सुनना। देखो इस प्रोसेस का यूज हम तब करते हैं जब हमको जो है बहुत सूक्ष्म या फिर छोटे छोटे जो अवयवी कण हैं, ठीक है, छोटे छोटे अयस्क है, तत्व है, यौगिक है, इनको हमको जो है अलग अलग करना होता है। क्या बोला मैंने, हमारे जो है, अगर एग्जाम्पल दूं हमारे जो ब्लड सेल्स है, हमारे जो ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड में कितने मात्रा जो है प्रोटीन की है, कितनी मात्रा जो है विटामिन्स की है, ठीक है, विटामिन्स की है, और कितनी मात्रा जो है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, सारी चीजें हमको पता करना हो तो हम क्या उसको भट्टी में लेके जाएंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, हम उसको भट्टी में टेस्ट करेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल हम उसको लैब में टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, लैब में टेस्ट करते हैं। तो कौन से प्रोसेस से लैब में टेस्ट किया जाता है सर, आखिर कौन से प्रोसेस का यूज करके लैब में टेस्ट किया जाता है, तो वो प्रोसेस का नाम है बेटा क्रोमेटोग्राफी। उस प्रोसेस का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। तो ये इस हद तक बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों में आपके लिए क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चे इसको जो है बोर्ड जो है बार बार पूछता रहता है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया, बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीजें यहाँ पे समझ में आया होगा, समझ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब इसके अंदर होता क्या चीज आखिर, ठीक है, आखिर ये एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, ये बच्चे क्या होता है, जो छोटे छोटे अवयवी कण हैं, छोटे छोटे कंपाउंड्स, इसके लिए तो एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये कैसे चीजें होती है, मतलब सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है, क्या होता है, एक जो है ऐसे नलिका की तरह हमारे पास एक ट्यूब रखा होता है, ठीक है, क्या रखा होता है, ट्यूब रखा होता है। खैर ये जो है क्या, हमारा कॉलम जो है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एग्जाम्पल्स है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल्स है, समझ में आया, ठीक है। इसके जो और जो है हमारे पास जो है क्या होता है बेटा, टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर बात करूंगा, इस और बाकी चीजों के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बार बार बोला भैया हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही इंपॉर्टेंट है, हम बाकी चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अब समझो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ध्यान से समझने रहना, कोई आपको जो है जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से सीखना है और समझना है। देखो बच्चे, अब ये जो आपको बड़ा बड़ा जो रिंग दिख रहा है, ठीक है, ये जो रिंग दिख रहा है, अब यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, अलग अलग सब्सटेंस डाल दिया, अलग अलग क्या डाल दिया, सब्सटेंस डाला, ठीक है, सब्सटेंस डाला, तो आपको याद रखना सब्सटेंस, यौगिक डाल दिया, चलो मान लो मैं बोल दूं यौगिक, ठीक है, अब यौगिक डाल दिया, यौगिक मतलब कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है, जिसको अपन को छोटा है, जिसके अवयवीकरण क्या हो छोटे हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस यौगिक के अंदर मैंने नाम दिया यौगिक ए बी और सी, नाम दे दिया ए बी और सी नाम दिया, ठीक है। अब ए बी का जो एडजॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है, जो शक्ति है, वो क्या है, ज्यादा है, मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, ये क्या कर रहा है, ज्यादा अधिशोषित कर रहा है, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन की शक्ति जो है ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, ट्यूब के साथ साथ ज्यादा जमा रहेगा, क्या बोल रहा है, ट्यूब के साथ ज्यादा जमा रहेगा, ठीक है, इसको जो है इस ट्यूब से प्यार रहेगा, तो किसी के इजिली जो है एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, इसका एब्जॉर्प्शन, मैं बात करूं बेटा, इसका एब्जॉर्प्शन क्या है, ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन मतलब इसकी अधिशोषण जो है ज्यादा होगा, ठीक है, अवशोषण जो है ज्यादा होगा, क्लियर है, ज्यादा होगा, ऐसे मैंने एरो डाल दिया, मतलब ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसका जो है बी का जो है ए के कंपैरिजन में कम होगा और सी का भी है सबसे कम होगा, मतलब सी बोलेगा मैं तड़प रहा हूं भाई, मेरे को इस ट्यूब से बाहर निकाल दे, क्या बोलेगा, मैं तड़प रहा हूं, मेरे को इस ट्यूब से बाहर निकाल दे, तो वो क्या करेगा बच्चे, इस जो हम अब हाँ क्या बोलेगा बच्चे, मैं तड़प रहा हूं ट्यूब से बाहर निकाल, तो यहां पे क्लियर हो गया कि हमारा सी जो है जल्दी निकल जाएगा, हमारा सी जो है क्या निकलेगा, जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, अधिशोषण करने की जो शक्ति है, ठीक है, वो क्या है, अवशोषण करने की जो शक्ति है वो क्या है बच्चा, कम है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, इजी जो है निकल जाएगी, लेकिन भैया हमारा जो ए है वो तो चिपका रहेगा ट्यूब के साथ, इसको अलग करने में हमको टाइम लगेगा, ठीक है, हमको टाइम लगेगा, क्लियर सारे बच्चों को, तो वही प्रोसेस आपको यहां पे इमेजिन करना है। देखो ध्यान सुनते रहना, फटाफट मैं आपको बताता हूं। देखो अब यहां से बेटा मेरे पास ए, ठीक है, बी
और सी है। सपोज करो कि यहां से मेरे जो ए बी और सी यहां पे आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। जब इस तरीके से जब आएंगे तो यहां पे बेटा फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, फिल्टर्स लगे होते हैं कि कौन यहां से जाएगा और कौन नहीं जाएगा, ठीक है, फिल्टर्स करेंगे तभी तो। अब देखो अगर ए आया तो ए तो भाई इधर ही चिपक जाएगा, बी भी चिपक जाएगा, लेकिन सी की टेंडेंसी क्या है भैया, ये तो मैं तो जाऊंगा भाई, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मैं जाऊंगा बोलेगा, ठीक है, तो ये नीचे आ गया। अब नीचे करते करते बेटा एक और फिल्टर लगे रहेगा, अब इजिली थोड़ी जाने देंगे भैया, ठीक है, इसके अंदर भरे रहेंगे तो इजिली थोड़ी जाने देंगे, ठीक है, तो इजिली नहीं जाने देंगे। तो क्या होगा बेटा, यहां पे क्या होगा, ए बी सी और फिर से वापस आएगा, ए बी सी वापस आएगा, पहले सी आ जाएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से फिर से वो सी जो है इसे नीचे आ जाएगा। अब सी जो है नीचे ड्रॉप करते हुए यहां पे हम कलेक्ट करेंगे, मतलब सिर्फ यही मेथड है बेटा। इस मेथड से अपन को ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो पूरा प्रोसीजर है इसके अंदर हम लोग छोटे छोटे जो अवयवी कण होते हैं, फिर तत्व होते हैं, फिर यौगिक होते हैं, उनका जो है एक्सट्रैक्शन शुद्धिकरण अपन लोग कर पाएंगे इजी तरीके से। समझ में आया? एग्जांपल मैंने आपको बेस्ट वाला एग्जांपल दिया था, जब आपको जो है ब्लड टेस्ट कराना होता है बेटा, तो इसी प्रोसेस से अपन लोग जो है डॉक्टर जो होते हैं लैब में जो प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, आपको ब्लड के सेल्स को काउंट करते हैं, या फिर बच्चे जब प्रोटीन्स की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है, आपके ब्लड के अंदर कोई भी दिक्कत आती है, तो इसी प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं बच्चे, यूज करके आपको जो है ब्लड काउंट्स को बताते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया? डॉक्टर्स होते हैं कभी कभी आपके जो है विटामिन्स की कमी है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं पहले जाओ भैया लैब टेस्ट करा के आओ, मतलब ब्लड टेस्ट करा के आओ, तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए क्या करते हैं यूज, ठीक है, इसी का यूज करेंगे, और फिर से वापस से आओगे तो बढ़िया आपको बोलेगा कि हाँ इतने विटामिन्स कमी है, इतने कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, इतने आपको जो है कमी है ब्लड काउंट्स में, तो आपको ये दवाई क्या करते हैं लिख के दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है बच्चा, हमको जो ये इस हद तक क्या इंपॉर्टेंट है, तो सेम फंडा बच्चा, ये सेम फंड इसी पे भी यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, यहाँ पे ए रुक जाएगा, यहाँ पे बी रुक जाएगा और सी रुक जाएगा। अब क्रोमेटोग्राफी आखिर क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ बच्चा, ध्यान से सुनते रहना। अब देखो क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, आखिर कलर होता है, क्या होता है बच्चे, कलर, ठीक है। अब कलर क्या बताएगा, यहाँ पे कुछ कुछ रंग होते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ कुछ क्या होते हैं कलर्स डाले जाते हैं, उसी कलर के बारे में हमको बताता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। मैं जब एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा तो ध्यान से सुनते रहना, अभी फिलहाल ये पूरा कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे चीजें क्या हुई, यहाँ पे एबीसी आए, एबीसी ट्रेवल किया, अब देखो एबीसी ट्रेवल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, कलर होते हैं, कलर, कलर अधिशोषण होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कलर्स होते हैं, इसी कलर के नाम से ही क्या होता है बच्चे, इसको क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया सारे बच्चों को? फटाफट देखते हैं आखिर क्या होता है क्रोमेटोग्राफी ने बेटा, क्या होता है, रूसी वैज्ञानिक स्वेट के द्वारा क्या होता है खोजा गया था, ठीक है, क्या होता है, सर्वप्रथम जो है वर्ण पत्रिकाओं, वर्ण जो है बेटा, वर्ण जो लिप पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, पिगमेंट होते हैं उसमें क्या होता है विभिन्न मिश्रण के, सॉरी, जो हमारा वर्ण वर्णिको होता है, पत्र वर्णिको होता है, ठीक है, पत्र वर्णिको में मिश्रण में विभिन्न रंगीन अवयवों को पृथक करने में इस विधि का उपयोग किया गया था, सबसे पहले उसी तरीके से उपयोग किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं सर जी ये कैसे होती है, इस वर्ण इस पत्र वर्णको में मिश्रण को घोलकर, ठीक है, घोलकर घुलाकर मतलब मिक्सचर बनाकर क्या बनाते थे, एल्यूमिना स्तंभ पे, जो मैंने बताया था वो एल्यूमिनियम का स्तंभ था, ठीक है, एल्यूमिनियम का स्तंभ पे, एल्यूमिनियम के स्तंभ से ऊपर से गिराया गया, जिससे अब विभिन्न शुद्ध वर्णकों का अलग अलग बैंड के रूप में पृथक हुए, मतलब अलग अलग जो बैंड के रूप में पृथक हुए। सिंपल बात है भाई, सिंपल सी बात है, देखो एकदम सिंपल, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं क्या हुआ, ए ए मेरे यहां पे रुक गया क्योंकि ये इधर ही चिपकने लग गया, अब बी मेरा यहां पे रुकेगा, ठीक है, क्योंकि इसको ये वाला स्लॉट अच्छा लगा, अब देखो सी आएगा, सी मेरे को नीचे चाहिए, फिर मेरे को नीचे ही जाना बोलेगा, नीचे ही जाना बोलेगा तो वो नीचे आ जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं है, इतना ही है बस, इतना ही है, ठीक है। अब देखो अलग अलग बैंड में क्या हो जाएगा बेटा, पृथककृत हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा लिखते कैसे, इसको विधियों के बारे में जाना चाहिए, विधियों के तौर पे हम कैसे कैसे इसको लिखेंगे, देखो बच्चे यहां से, इसका कारण जो है ग्रीक शब्द में क्रोमा से आया है, क्रोमा मतलब रंग, क्रोमा का मतलब रंग, ठीक है। आधार पर इस विधियों का जो है नाम जो क्रोमेटोग्राफी रखा गया है, इसको भैया वर्ण लेखन कलर राइटिंग के नाम से भी बोलेंगे, ठीक है, वर्ण लेखन आजकल रंगीन अथवा रंगहीन दोनों ही तरह के कार्बनिक यौगिक में, भैया कार्बनिक यौगिक के पृथककरण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, मतलब भैया ये हमारा क्या है, मॉडर्न मेथड है पृथककरण का, ये हमारा क्या है, मॉडर्न मेथड है बेटा, मॉडर्न मेथड है क्या है, पृथककरण का। सारे बच्चों को क्लियर है, मॉडर्न मेथड है पृथककरण का, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे आप लोग को, अगर जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो क्या चीजें यहां पे बात हो रही है, ठीक है। अब देखो यहां पे दो स्टेज बात की, दो स्टेजेस होती है, ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन आपको जो एग्जाम्स के अंदर लिखना पड़ेगा, तो वो ध्यान से मिसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे दो स्टेजेस होती है बेटा, एक होता है चलित स्टेज मतलब मूविंग स्टेट, ठीक है, दूसरा होता है बेटा स्टेज नहीं मतलब स्थिर अवस्था, एक होता है हमारा चलित अवस्था, एक होता है स्थिर अवस्था, ठीक है। यहाँ पे दो स्थिति होती है, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है कि हमको क्या लिखना है आखिर, तो हमको सिर्फ बच्चे हमको कॉलम, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी लिखनी होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही लिखनी, तो बाकी चीज यहाँ पे कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी लिखना है। ये आप लोग को क्या करना है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, देखो
ठीक है, समझ में आया। अब देखो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, बस मैंने जैसे कि आपको बताया है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भाई एक हम जो एल्यूमिनियम का ट्यूब रहेगा उस ट्यूब से जब हम लोग मिक्सचर को डालेंगे, एबीसी का मिक्सचर को डालेंगे, तो एबी की टेंडेंसी क्या होगी, वो जो है नलिका से चिपक जाएगी, और बी की टेंडेंसी क्या होगी, वो जो है बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। हाँ ले लिए, तो बच्चे यहाँ पे बी की जो टेंडेंसी होगी वो क्या करेगी, सेकंड स्लॉट पे आएगी, मतलब ए से जो है कम होगी, और सी की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, मतलब वो क्या करेगा बेटा नीचे चला जाएगा, वो फ्लो करेगा। क्लियर सारे बच्चों को, यही हमारा क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है। इसमें कुछ नहीं लिखना बच्चे, आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि चीजें कैसे होती है, समझ में आया सारे बच्चों को। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो फटाफट, देखो इसे, ठीक है, चलो गजब, ठीक है, बढ़िया। इस प्रकार से बच्चे हम लोगों ने क्या है, पूरा का पूरा हमारा चैप्टर नंबर जो 6 था वो यहाँ पे खत्म कर चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से फोड़े हुए हैं, गजब तरीके से फोड़े हुए हैं। इस चैप्टर से बच्चे आप लोगों को 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, महत्वपूर्ण 3 अंक बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण 3 अंक आपके लिए जो है ये चैप्टर जो है देने वाला है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपको जो है पेशेंस बना के एकदम शांति से सारी चीजों को समझना होगा, ठीक है। बाकी और कुछ चीज नहीं करनी है यहाँ पे, सिर्फ सिर्फ आपको समझना है, पढ़ना है, और कुछ चीजें यहाँ पे नहीं करनी है बेटा। जो बच्चा यहाँ नया होगा वो बच्चे आपको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बच्चे जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत आ रही होगी वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे हम पूरा ये चैप्टर यहीं पर खत्म करते हैं, आने वाला चैप्टर के अंदर बहुत ही गजब तरीके से तोड़ा फोड़ी मचाने वाले हैं। अभी के लिए बच्चे बाय बाय।